बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेश हेल्दी वेजिटेबल बीन सैलड, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। वीक में एक या दो बार तो ये ज़रूर बनाना चाहिए। अगर आपको हमारा बनाया हुआ सैलड पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब हम चॉपिंग शुरू करते हैं। ये कुछ वेजीज़ मैंने स्लाइड के ऊपर, कटिंग बोर्ड के ऊपर रखी हुई हैं, और अब देखें हम कटिंग कर रहे हैं और साथ साथ कटिंग करेंगे, साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे। सबसे पहले हम रेड बेल पेपर चॉप कर रहे हैं, और इसको ऐसे चॉप करेंगे कि इसमें जो वाइट हिस्सा है ना, जो बीज हैं, वो हम निकाल देंगे, और उसको निकाल के फिर हम इसकी कटिंग करेंगे या चॉपिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये देखें, इस साइज़ के हम पीसेस बना रहे हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से पीसेस बना सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने लिया एक टमाटर, और टमाटर की भी हम कटिंग करते हैं। ये देखें, इस तरह हम टमाटर की कटिंग कर रहे हैं। ये देखें, एक हमने बीट रूट लिया है, चुकंदर, उसका छिलका उतार के ये रखा है, इसकी कटिंग करते हैं। अब ऑनियन की कटिंग करते हैं। अच्छा जी, सारी वेजीज़ की हमने कटिंग कर ली है। ये देखें, कटिंग बोर्ड के ऊपर सारी वेजीज़ जो हमने चॉप करके रखी है। अब इसको हम मिक्स करते हैं, और एक हमने ये कैन लिया है मिक्स बीन्स का, ये ऐड करेंगे। ये कैन खोल के हमने स्ट्रेनर में ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से वॉश करेंगे। ये एक बॉल हमने लिया है, इसमें सारी वेजीज जो हमने चॉप करके रखी है ना, वो ऐड कर रहे हैं। वेजीज ऐड करके अब हम बीन्स ऐड कर रहे हैं। बीन्स ऐड करके अब हम नमक ऐड कर रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब हम ऐड कर रहे हैं ब्लैक पेपर। अब हम ऐड कर रहे हैं एक लेमन का जूस। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। ये देखें, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। सैलड हमारा रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, वेजीज बीन सैलड रेडी है। बहुत मज़े का बना है, आप भी बनाना। अगर आपको हमारा बनाया सैलड पसंद आए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। दुआओं में याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।